जानकारी रखती हूँ। हम लोग पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन में लगे हुए सभी लोग कुल 14,692 व्यक्तियों को 116 के तहत पाबंद कराया जा रहा है। सस्त 6,962 व्यक्तियों को जमा करा दिया गया है। ऐसे ही गुंडा एक्ट और 110 जी और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा है कि यहाँ पे सस्त फैक्ट्री प्रदेश में सर्वाधिक किया गया। अभी आगे की प्रक्रिया जारी है निरोधात्मक कार्रवाइयों की। निश्चित रूप से हम एक आदर्श माहौल में यहाँ पे चुनाव कराएंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे हर आदमी भयमुक्त होकर के अपनी गतिविधियों को संचालित कर सके और आदर्श चुनाव का पालन करा सके। साथ ही अभी से जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, हमारी FST और SST की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, जो लगातार वाहनों की चेकिंग से लेकर ये जानकारी कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े पैमाने पे कोई ड्रग्स या पैसे का या कोई भी चीज जो वोट को प्रभावित कर सके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब चीजों पे बेहद दृष्टि रखी जा रही है। प्रत्येक थाने में भी टीम बनाई गई है, आदि व्यवस्थाएं सारी की गई है और धीरे धीरे और भी हम बेहतर इसको करते जाएंगे। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से आप शेयर कर सकते हैं कि पारदर्शी तरीके से यहाँ का चुनाव संपन्न हो सके, पीसफुल माहौल में हो। और साथ ही हम लोग इस बात के लिए भी कटिबद्ध है कि हमारा चुनाव न सिर्फ पारदर्शी हो अपितु एक आदर्श माहौल में हो। हमीरपुर की व्यवस्थाओं के संबंध में लखनऊ में माननीय आयोग के समक्ष जो प्रस्तुति हुई थी, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा किया था और फिर एक गुरुतर उत्तरदायित्व हम लोगों के कंधे पर डाल दिया कि हमीरपुर में का जो चुनाव हो एक मानक स्थापित हो कि ऐसे आदर्श माहौल में हम करा रहे हैं। और इस संबंध में आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम यह भी व्यवस्था करा रहे हैं कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक आदर्श बूथ स्थापित हो जिसमें जो भी वोटर्स लौट के आएंगे तो उनको हम थैंक्स दे सके। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वोट डालने के लिए निकले, 100% वोट डालने के लिए निकले। ये डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हर आदमी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करे। हमने जो प्रबंध किया हुआ है वो सारी चीजें चल रही है। प्रत्येक बूथ पिक को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिससे कि अधिकतम पीरियड में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम में नहीं होगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों को मिले हैं और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। यहाँ चुनाव के बारे में बता दूं कि कुल हमारे 517 मतदान केंद्र हैं और 972 बूथ हैं। उसमें से 295 क्रिटिकल चिन्हित हुए हैं और अभी से एरिया डोमिनेशन के लिए हमको पैरामिलिट्री फोर्स मिल रहा है। कल यहाँ पर एक कंपनी CRPF किया जा रही है, कुछ ऐसा डेली कार्मी को रोका जा रहा है, आवश्यक प्रबंध वहां पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा पहले से यह हम लोग को बता दिया गया है कि विगत चुनाव में जितना फोर्स मिला था उससे ज्यादा फोर्स इस बार दिया जा रहा है, उनके भी रुकने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फोर्स का व्याप्त और आप सब हमारे फ्रंट वर्कर हैं, इसलिए आप सुरक्षित रहिए। इसके लिए जो एहतियात बरतनी चाहिए वो जरूर बरतिए। जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए जब भी आप निकले कहीं भी जाए, कहीं भी कवर कर रहे हैं, मीडिया कवर कर रहे हो तो आप जरूर ये प्रिकॉशन लीजिए, इसलिए आपका साथ हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके पश्चात मैं आपके माध्यम से जनपद के हर व्यक्ति तक यह बात आदेशानुसार कल दिनांक 8 जनवरी 2022 से जनपद हमीरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जनपद के पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए पूर्व से बनी हुई टीमों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो SOP है उसके हिसाब से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सभी टीमें अपना कार्य करें और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएं। मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के द्वारा, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करने की कार्रवाई का निरीक्षण भी किया गया
और निरंतर किया जाएगा और जब तक चुनाव की स्थिति रहती है, आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शत प्रतिशत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे। कोविड गाइडलाइन के लिए 272 बूथ हैं, उसमें से 295 क्रिटिकल चिन्हित हुए हैं और अभी से एरिया डोमिनेशन के लिए हमको पैरामिलिट्री फोर्स मिल रहा है। कल यहाँ पर एक कंपनी सीआरपीएफ किया जा रही है, कुछ अच्छा डेली कार्मी को रोका जा रहा है, आवश्यक प्रबंध वहां पे किए जा रहे हैं। इसके अलावा पहले से यह हम लोग को बता दिया गया है कि विगत चुनाव में जितना फोर्स मिला था उससे ज्यादा फोर्स इस बार दिया जा रहा है, उनके भी रुकने के लिए आवश्यक प्रबंध किया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फोर्स का व्यापक प्रबंध रहेगा जिससे कि पारदर्शी तरीके से यहाँ का चुनाव संपन्न हो सके, पीसफुल माहौल में हो। और साथ ही हम लोग इस बात के लिए भी कटिबद्ध हैं कि हमारा चुनाव न सिर्फ पारदर्शी हो अपितु एक आदर्श माहौल में हो। हमीरपुर की व्यवस्थाओं के संबंध में लखनऊ में माननीय आयोग के समक्ष जो प्रस्तुति हुई थी उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा किया था और फिर एक गुरुतर उत्तरदायित्व हमने उनके कंधे पर डाल दिया कि हमीरपुर में का जो चुनाव हो एक मानक स्थापित हो कि ऐसे आदर्श माहौल में हम करा रहे हैं और इस संबंध में आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। हम यह भी व्यवस्था करा रहे हैं कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक आदर्श बूथ स्थापित हो जिसमें जो भी वोटर्स लौट के आएंगे तो उनको हम थैंक्स दे सके। आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि अधिकाधिक संख्या में वोट डालने के लिए निकले, शत प्रतिशत वोट डालने के लिए निकले। ये डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि हर आदमी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करे। हमने जो प्रबंध किया हुआ है वो सारी चीजें चल रही है। प्रत्येक बूथ पिक को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिससे कि अधिकारी फोर्स वहां लग सके। साथ ही अभी तक हमारे को 14692 व्यक्तियों को 116 के तहत पाबंद कराया जा रहा है, 6962 व्यक्तियों का जमा करा दिया गया है। ऐसे ही गुंडा एक्ट और 110 थी और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा है कि यहाँ पे शस्त्र फैक्ट्री प्रदेश में सर्वाधिक किया गया, अभी आगे भी प्रक्रिया जारी है निर्धारित कार्रवाइयों की। निश्चित रूप से हम एक आदर्श माहौल में यहाँ पे चुनाव कराएंगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे हर आदमी भयमुक्त होकर के अपनी गतिविधियों को संचालित कर सके और आदर्श चुनाव का पालन करा सके। साथ ही अभी से जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया हमारी एसएसटी और एसएसटी की टीमें सक्रिय हो चुकी है जो लगातार वाहनों की चेकिंग से लेकर ये जानकारी कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े पैमाने पे कोई ड्रग्स बरतनी चाहिए, वो जरूर बरतिए। जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए जब भी आप निकले कहीं भी जाएं, कहीं भी कवर कर रहे हैं, मीडिया कवर कर रहे हो तो आप जरूर ये प्रिकॉशन लीजिए। उनको भी हमने प्रयास किया कि संक्षेप में आप लोगों को मिल गए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें इस बार के निर्वाचन में, भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कल दिनांक 8 जनवरी 2022 से जनपद हमीरपुर के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जनपद के पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए पूर्व से बनी हुई टीमों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे का जो एसओपी है उसके हिसाब से हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी टीमें अपना कार्य करें और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएं। मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के द्वारा, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आदर्श आचार संहिता के अनुपालन करने की कार्रवाई का निरीक्षण भी किया गया और निरंतर किया जाएगा और जब तक चुनाव की स्थिति रहती है आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शत प्रतिशत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराए और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करे। कोविड गाइडलाइन के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोविड के दौरान निर्वाचन कराना
हम लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी कोविड के संबंध में प्रोटोकॉल लागू किया गया है, पूर्व में जारी किया गया है, महामारी अधिनियम में जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने इसके संबंध में कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, कई प्रकार की सुविधाएं भी दी हैं। उन सबको हम लोग समय समय पर यथा आवश्यकता उसका अनुपालन कराते रहेंगे। इस बार नॉमिनेशन के दौरान, वोटिंग के दौरान, काउंटिंग के दौरान सारे तरह के कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हर जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रखी गई है। उस सबको करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन कराया जाए। आदर्श आचार संहिता लगने के पश्चात से ही पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है कि जहां भी इसका वायलेशन हो रहा है उसका कड़ाई से अनुपालन कराएं। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग सारे हटवा दिए गए हैं और हटवाने की प्रक्रिया चल रही है। जो वॉल राइटिंग हुआ है उनको पेंट कराया जा रहा है, साथ ही जो लोग भी ये लगाए हैं उनको नोटिस जारी किया जा रहा है जिससे कि वो अपना खुद ही अपने से हटा लें, और वरना इस पे अर्थदंड लगेगा और आयोग को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा एरिया डोमिनेशन के लिए हमको एक कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स कल से मिल जा रही है, जो संपूर्ण जनपद में भ्रमण करके ये सुनिश्चित कराएगी कि कहीं भी निष्पक्ष चुनाव में कोई अड़चन न आने पावे। पूरा पुलिस प्रशासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम शांतिप्रिय निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे। इस हेतु लगभग 13,000 लोगों के खिलाफ 116 की कार्रवाई की गई है, 6,000 के करीब असलहे जमा कराए जा चुके हैं, गैंगस्टर गुंडा के तहत भी निरंतर कार्रवाई चल रही है, और भी ऐसे लोग चिन्हित किए जा रहे हैं जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं या पिछले चुनाव में जिनके द्वारा किसी तरह की गड़बड़ी पैदा की गई, ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध निर्धारात्मक कार्रवाई करके हम उनको पाबंद करा रहे हैं जिससे कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके।